फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, किसी पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, उसकी डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप पढ़े थे नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर, जिसमें नंबर ऑफ टर्म वन होती है मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म टू हो बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स थ्री हो ट्राइनोमियल। डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल के टाइप्स पड़े थे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री वन थी, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री थ्री क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर किसी की डिग्री जीरो है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। और कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में एक टाइप पढ़ा था, जीरो इज द स्पेशल कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल विच डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जीरो जो एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है लेकिन उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। आज हम पढ़ेंगे कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले किसी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। जीरो जो पॉलिनोमियल
एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, और एक्स की वैल्यू दे रखी है वन एंड फाइव। अब कुछ चेक करना है कि ये इसके जीरो जाएंगे, तो देखिए सबसे पहले x इक्वल टू वन प्रूव करें, तो p वन, वन स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन प्लस फोर, वन माइनस फाइव प्लस फोर, फाइव माइनस फाइव जीरो, यस x इक्वल टू वन इज जीरो। ओपीएस नाउ सेकंड वैल्यू दे दी x इक्वल टू फाइव, तो पुट x इक्वल टू फाइव, यहां फाइव पुट करें p फाइव, 5 स्क्वायर माइनस 5 इनटू 5 प्लस 4, सिंपलीफाई दैट 25 माइनस 25 प्लस 4, x को 5 पुट किया तो आंसर बच रहा 4, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस x इक्वल टू 5 इज नॉट 0 ऑफ पीएस, x इक्वल टू 5 उस पॉलीनोमियल का 0 नहीं है, जो 0 है वहां लिखना यस इट इज 0, जो जीरो के बराबर नहीं आ रहा है वहां लिखना है कि वो जीरो के इक्वल नहीं होने से उसका जीरो नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यार, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स, एक्स माइनस फाइव, एक क्वेश्चन होते हैं पी एक्स 3x, px 2x plus 5। इन क्वेश्चनों में क्या कर रहे हैं, फाइंड 0 और जो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब होता है कि जहां पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो अपन यहां क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, क्योंकि जीरो फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, यहाँ पे थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से एक्स इक्वल टू फाइव आ रहा है, ये इनटू में है तो डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ गया जीरो, प्लस का फाइव उधर जाके माइनस फाइव, तो एक्स इक्वल टू आ गया माइनस फाइव बाई टू। पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो रखने पर आपको x की वो वैल्यू फाइंड हो गई जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर है, इसका मतलब x इक्वल टू फाइव इज जीरो पी एक्स। सेम केस इसी तरह से x इक्वल टू जीरो इज जीरो ऑफ पी एक्स, x इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू इज जीरो ऑफ पी एक्स। एक पॉलिनोमियल और ले पी एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक ले रहा हूं पी एक्स इक्वल टू फाइव। मैंने दोनों कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल लिए लेकिन एक स्पेशल कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जीरो लिया। एक्स की ऐसी वैल्यू रखो जिस पे इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, यहां भी एक्स की ऐसी वैल्यू रखो कि ये रिजल्ट जीरो के बराबर आ जाए। देखो 2.0 2.0 put px equal to 0, 2.0 put px equal to 0, यहां px को 0 के बराबर पुट किया और px की वैल्यू ऑलरेडी क्या दे रखी है 0, तो यहां px को 0 लिखूंगा तो 0 equal to 0, और यहां px की जगह क्या लिखूंगा 5, तो 5 equal to 0, this is impossible। और इट इज ऑलवेज पॉसिबल, जीरो इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब यहाँ एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा क्या होगी जीरो, तो यहाँ जीरो क्या होगा ऑल रियल नंबर। लेकिन ये केस इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो आर नॉट डिफाइंड, नो सॉल्यूशन, यहाँ कोई जीरोस नहीं है। इस तरह से आप 9th क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल
कि एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर सकते हैं।